हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम एक्सप्लोरर। आज के व्लॉग में ना ही किसी चीज़ का हम रिव्यू करेंगे, ना ही कुछ और। आज के व्लॉग में बात करेंगे मोटोव्लॉग की, क्योंकि मोटोव्लॉग के लिए हेलमेट सेटअप में हमने माइक का पोजीशन को चेंज किया है, तो उसको देखते हैं कि आज वॉइस क्वालिटी में कुछ चेंज आता है या नहीं आता है। और मोटोव्लॉग करते करते कुछ मन की बात है जो आपसे करनी है, तो चलो मोटोव्लॉग करते हैं और आपको दिखाते हैं। आज के मोटो व्लॉग में आपको विंड नॉइज़ ज़रूर आएगी, लेकिन एटलीस्ट वॉइस ओवर करने से बेस्ट है कि मोटो व्लॉग तो कर ही सकते हैं, भले इस सिचुएशन में भी एडजस्ट कर ले थोड़ा तो थोड़ा। ये ऐसे लोग गाड़ी चलाते हैं तो उनको खुद की तो जान की परवाह होती नहीं है, दूसरों को भी मारने पे तुले होते हैं। कहीं भी लेन चेंज करना, कुछ करना। और इसका मैं यूजुअली ये बोलूँगा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ लाइसेंस टेस्टिंग करने के बाद नहीं मिलता है। हमारे यहाँ लाइसेंस मिलता है इंडिया में एज ग्रुप कि आप अगर 18 साल के हो तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा, और भले आपको गाड़ी चलाना आता हो या ना आता हो, टेस्टिंग लेने वाला भी नहीं होता है। वो यूजुअली सारे यूजली सारे जो RTO एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू मिल जाता है ये लाइसेंस। वो थोड़ा चार्जेस ज़्यादा ज़रूर लेते हैं, लेकिन ना कभी टेस्टिंग होती है ना कुछ। आओ पैसे दो, फोटो खिंचाओ, लाइसेंस लेके जाओ। इसीलिए तो रोड एक्सीडेंट्स में इंडिया सबसे आगे है। लोगों को गाड़ी चलाने का जजमेंट ही नहीं है। देखो अब ये महानुभाव ओवरटेकिंग लेन में गाड़ी धीरे चला रहा है, मजबूरन हमें लेफ्ट तरफ से ओवरटेक करना पड़ता है। आप किसको मना कर सकते, किसको मना कर सकते तो नहीं भाई। इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये देखो ये भाई साहब भी वही है। बहुत नमूने मिलेंगे भाई मार्केट में, बहुत एक बार निकलो आप हेलमेट पे कैमरा लगा के, एक्शन कैमरा लगा के। पहले तो लोग ऐसे घूर घूर के देखेंगे कि ये क्या लगा दिया। वो देखो अलग ही चल रहा है भाई साहब। अरे सर रोक लो, हमारा थंबनेल आ जाएगा। #hashtag महंगी बातचीत। नहीं नहीं सीरियस लेने की बात नहीं है, आई एम जस्ट जोकिंग गाइस, जोकिंग। इसको बोलते हैं चूना भट्टी रोड। ये रोड कनेक्ट करती है चूना भट्टी को डायरेक्ट लिंक रोड नंबर 3 से। और इस लाइन में हॉस्पिटल मनमोरिया, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। मारुति सुजुकी का एक डागा मोटर्स का बहुत बड़ा शोरूम है यहाँ पे इस रोड में। आप गूगल करोगे आपको पता चल जाएगा भाई साहब। ये रोड मैं दिन में एक बार यूजुअली आता ही आता हूँ, लेकिन इस रोड की हालत मैं आज 3 साल से देख रहा हूँ, ऐसी की ऐसी। Thank you.
पब्लिक को कोई फ़र्क नहीं है, हेलमेट तो किसी ने लगाना ही नहीं है। मेरे लेफ्ट साइड में आप ये जो फेंसिंग देख रहे हैं, ये हो रखी है भोपाल मेट्रो की, और ये काम भी सब भोपाल मेट्रो का चल रहा है। आई गेस बहुत जल्दी 1-2 साल के अंदर अंदर यहाँ पे मेट्रो का काम शुरू हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। और लोगों के लिए इधर उधर ट्रैवल करना और भी आसान हो जाएगा भोपाल में। होप करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कर दो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहना। मिलते हैं फिर किसी बढ़िया से वीडियो में, और सब्सक्राइब वाला जो आइकन है उसमें घूसा मारो, कोनी मारो, लात मारो, बस सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय। We'll be right back.